स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्लास 12 बाय अन एकेडमी। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। सो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ना टारगेट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। आई रियली विश कि तुम लोगों के पास कॉपी और पेन है और जल्दी से मेरे साथ यार तुम लोग इस क्वेश्चन को टारगेट करोगे। देखो, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमिनेंट चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आ सकता है। हम ऑलरेडी प्रीवियस दो वीडियो में इसके दो पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, ये थर्ड पैटर्न है। इट्स क्वाइट सिंपल। देखो, सबसे पहले बच्चा क्या करना है, ए मैट्रिक्स आपके पास है, इनने बोला भैया ए इनवर्स निकालो। दिमाग में सोचो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। सो ए इनवर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चा। ओके जी, अब वो तो हम निकाल लेंगे, ए इनवर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नई प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। क्या कहता है क्वेश्चन, हैंस। हैंस शब्द का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। हैंस, हैंस का मतलब क्या है, यूजिंग दिस रिजल्ट यू हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका इसका क्या कनेक्शन है, चलो फाइंड करते हैं क्या कोई कनेक्शन है क्या। बच्चों, ये जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास आए और ये लोग बोलते हैं ना कि एक मैट्रिक्स हम आपको दे रहे हैं, ए इनवर्स निकालो, हैंस सॉल्व द सिस्टम, जब भी हैंस वाला क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल के बैठ जाया करो। आओ यार इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे तो दिस विल बी द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 1, 1, ठीक है ना, ये इसका हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा। अब इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को यार ध्यान से देखो, अरे इसकी शक्ल तो यार इसकी जैसी मिल रही है, 1, 3, 4, 2, 1, 2, 5, 1, 1, यस, दैट मींस व्हाट, यहाँ जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है ना उसका नाम भी ए होने वाला है। और फिर जब हम यार इसमें से वेरिएबल वाली मैट्रिक्स और जो कांस्टेंट लिखे हैं वो मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर जब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्म क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी, राइट। तो बच्चा एक्स की वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स की वैल्यू निकलती है ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे जब आपको इनवर्स चाहिए होगा ना, वो इनवर्स बेटा आप पहले से ही निकाल के बैठे होंगे। तो आपने जो ऊपर यहाँ मेहनत की है उसी ए इनवर्स को उठा के यहाँ रखना है, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जब भी हैंस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल के बैठ जाओ और फिर यार इसको और इसको ध्यान से देखो, इफ दे आर सेम बी हैप्पी। और अगर प्रोडक्ट वाले कुछ क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किए थे, अगर वैसा कुछ पैटर्न है तो भैया पैटर्न को डिकोड करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ओके बेटा, चलो जी। तो यार हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है ए इनवर्स निकालना। तो चलो यार ए इनवर्स निकालते हैं। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वी नो द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स, हम लोग यार ए इनवर्स का ना फॉर्मूला जानते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। आई होप तुम सबको याद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। मैं तो अपने बच्चों को हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया करो यूजिंग दीज साइन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे यार वन लोगे आप, राइट, इसे इसे हाइड करेंगे, 1 × 1 = 1, -2, फिर आपने -3 लिखा, इसे इसे हाइड कीजिए, 2 × 1 = 2, -10, फिर बच्चा +4, देन इसे इसे हाइड कीजिए, 2 × 1 = 2, -5। बेटा जी आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, -1, दिस इज -8, -8 × -3 = 24, है ना बेटा। और 2 में से 5 क्या कितना होगा, -3, तो ये कितना हो जाएगा, -12। तो बच्चा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास, दिस इज कमिंग आउट टू बी -1 + 12। -1 + 12 क्या होता है बेटा, इट्स 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। दैट मींस इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्टिबल, तो ये 100% होगा। क्या सबका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चा 11 आ रहा है, एवरीवन, यस, ठीक है। चलो, आफ्टर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए वी विल फाइंड कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स निकालेंगे क्योंकि अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज ट्रांसपोज ऑफ माय कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो यार सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर i + j, m i j, दिस इज द फॉर्मूला।
चलो फटाफट निकालते हैं यार कोफैक्टर्स। तो बच्चा A11 क्या होगा, -1 की पावर 2। -1 की पावर 2 क्या होगा, -1 की पावर 2 नेगेटिव की पावर इवन होता है पॉजिटिव। और सिंपल बच्चा यहाँ आएगा M11। चलो यार M11 निकालते हैं। M11 क्या होगा, यू हैव टू डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड ये जो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है तुम्हें इसे इवेल्युएट करना है। तो 1 1 1, ठीक है, -2 बेटा कितना आया तुम्हारे पास, -1 आया। तो बच्चा जी M11 इज -1 यानी A11 मेरा -1 आ रहा है। एवरीवन सबका आया ये आंसर। अब बेटा A12 निकालोगे तो -3 ऑड, -3 गिव्स यू नेगेटिव और यहां लिखेंगे आप M12। नाउ व्हाट इज M12, यू हैव टू डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो 2 1 2 is 2 एंड -5 2 is 10। तो बेटा -8 आ रहा है ऑलरेडी। आपका वेलकम कौन कर रहा है यार यहाँ पे, ऑलरेडी माइनस का साइन वेलकम कर रहा है। तो बच्चा जी ये क्या हो जाएगा, इट विल बी +8, यस और नो? सही बात है बेटा। देखो सुनो, मुझे पता है तुम लोग अभी कोई भी एक भी बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है। बेटा ये क्वेश्चन को ना तुमको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू राइट, ठीक है? क्योंकि प्लस माइनस की ही गलती होती है एंड फिर बेटा बहुत दुख होता है क्योंकि दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? अब A13 क्या होगा यार, -1 + 3 = 4, -3 की पावर इवन पॉजिटिव होता है। M13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए एंड इस 2 by 2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। सो 2 1 2 -5 है ना, 2 1 2 -5 दैट इज कमिंग आउट टू बी -3। तो बच्चा जी यहां तो आया -3। After finding this यार we will find A21। तो A21 क्या होगा, -की पावर ऑड दैट मीन्स नेगेटिव। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, 3 1 3 -4 दैट इज कमिंग आउट टू बी -1, यस और नो बच्चा? -1 मतलब +1 हो जाएगा। फिर यार तुम A22 निकालोगे, A22 क्या होगा, -4 दैट इज इवन। M22 बेटा M22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दोगे। सो दिस इज 1 1 1, ठीक है, -4 5 20। ओहो देखो देखो ध्यान से देखो सबके सब, इसको डिलीट किया है ना, तो 1 माइनस इसको डिलीट किया, सो 1 × 1 = 1, -4 5 20 दैट मीन्स इट्स कमिंग आउट टू बी -19। ये -19 आ रहा है एंड देन वी विल फाइंड A23, -2 + 3, -5, -odd इट्स नेगेटिव। एंड M23 क्या होगा बेटा जी, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कीजिए, सो दिस इज 1, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, 1 -15 दैट इज कमिंग आउट टू बी -14। क्या आएगा बेटा, -14, तो ये +14 हो जाएगा, ठीक है? यस यू हैव टू सॉल्व। आगे चलो बेटा, A31 -की पावर इवन इट्स पॉजिटिव। तो चलो यार A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे अपन, 3 2 6 -4 दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। A32 बेटा A32 क्या होगा, -की पावर ऑड दैट इज नेगेटिव। M32 क्या होगा यार, थर्ड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करो, 1 2 2 -8 -6, ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, इट्स -6 एंड ऑलरेडी -8 कर रहा है तो +6। बेटा लास्ट है A33 क्या होगा, -3 + 3 कौन बोला 9 होता है, ये 6, 3 + 3 = 6, ठीक है, -की पावर इवन इज पॉजिटिव। सो थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 1 1 -6 इट्स कमिंग आउट टू बी -5। क्या आ रहा है बेटा जी, -5 आ रहा है। सबके सब यार जल्दी से चेक कर लो, यही आ रहा है, -1 8 -3 लेट मी जस्ट चेक, 1 -19 14, 2 6 एंड -5। यस बच्चा, तो कोफैक्टर्स हमारे आ गए हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए पता है क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, दिस विल बी -1 8 -3 1 -19 14, सबको अरेंज कर दो, 2 6 -5। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज ऑफ योर कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो बेटा ए इनवर्स क्या होता है, इट्स 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटा। तो ए इनवर्स क्या आ रहा है यार, 1 upon 11, बेटा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लो, -1 8 -3 एवरीवन 1 -19 14। आगे चलो जी, 2
सिक्स क्या होगा माइनस फाइव. सो यार दिस इज योर ए इनवर्स, ये आपका ए इनवर्स आ गया. ठीक है, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना था, तो आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, आओ यार उनको तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, कैसे, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में. ठीक है, पहले बता देते हैं जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, जो हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी उसमें से हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसी है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बच्चा कैसी है अपनी, एवरीवन कैसी है अपनी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, 1 3 4 1 3 4 2 1 2 5 1 1 1 3 4 2 1 2 5 1 1 1 3 4 2 1 2 5 1 1. ठीक है, चलो यार एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है यार, एक्स वाई सेट. ठीक है, इसके बाद यार तुम्हारी कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट है वो सब क्या है, आओ एक बार चेक कर लेते हैं. 8 5 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा, यहाँ आप लिखेंगे 8 5 एंड 7. ठीक है यार, मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है ए एक्स इक्वल टू बी, तो बच्चा एक्स क्या होगा, एक्स विल बी ए इनवर्स इन टू बी, तो एक्स क्या होगा बेटा, ए इनवर्स तुम निकाल के बैठे हो 1/11. ठीक है, क्या आया है ए इनवर्स, -1 1 2, दिस विल बी -1 1 2. फिर क्या है बच्चा, 8 -19 6 8 -19 6. फिर क्या है बच्चा, -3 14 -5 -3 14 -5. मल्टीप्लीकेशन करो यार बी का, बी क्या है तुम्हारे पास, 8 5 7. ठीक है बच्चा, कैन वी मल्टीप्लाई देम, इज मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, जल्दी से बताओ यार. इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है यार 3/1, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सेम. यस, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट अ मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब 3×1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा. चलो भाई जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो, किस बात की है देरी, है ना, फटाफट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मैट्रिक्स का साइन है. ठीक है, तो -8 + 5 14, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 64, कौन बताएगा यार, 19 × 5 5 9 बेटा कितना होता है 45 5 5 6 7 8 9, इट्स 95. -95 6 7 बच्चा 42, 3 8 24, 14 × 5 क्या होता है बेटा जी, 5 4 20 5 5 6 7, यानी यार तुमको मिलता है 70, एंड दिस इज -35. एवरीबॉडी जल्दी से यार चेक कर लो, सब सही है, सब कुछ सही है बेटा, है ना. ओके, अब यार यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये तो सिंपल प्लस माइनस है, ये तो कर लो. ठीक है, कितना आ रहा है बच्चा ये, सो दिस इज -8 + 5, कितना होगा, 8 में से 5 गया 3, -3 + 14, -3 + 14 कितना होगा, दिस विल बी 11. तो बच्चा वॉट यू आर गेटिंग हेयर, तुमको यार यहाँ पे प्लस माइनस करने पे क्या मिल रहा है, बोल दो ना कितना मिल रहा है बेटा, नहीं बोलोगे, दिस इज 11. ठीक है, आ जाओ. अब ये क्या यार, 64 + 42, 4 5 6 6 4 10, 106 में से तुमको 95 उड़ाना है. ठीक है, सो यार 106 में से 95, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 9 गया 1, क्या बात है, ये भी 11 आ रहा है. This is also coming out to be 11, है ना? Okay जी, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो. This is -24 - -35, 5 4 9 3 4 5, it's -59 + 70, 70 - 59, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, क्या बात है बेटा जी, बेटा जी ये भी 11 आ रहा है. हाँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपन, सबके सब यार जल्दी से बताओ क्या आ रहा है बच्चा, 11. ठीक है, अब यार ये 1/11 का इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट बच्चा, यू विल गेट एक्स क्या है आपका, एक्स इज एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई करने पे तुमको 1/11 क्या मिलेगा, एक 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 इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगा लो यार, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, ये आपका आंसर आ जाता है. इस तरीके से तुमको यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, टिल देन टेक केयर.